हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है गाइस, क्योंकि आप देख रहे होंगे पीछे पौधे लगे हुए हैं, है ना। स्टार्टअप है, बहुत शानदार स्टार्टअप है जो आने वाले टाइम में बहुत भयंकर वाला चलने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर कि इन पौधों से आप CNG गैस और कोयला का उत्पादन एक्चुअली कर सकते हैं। सर बताएंगे, क्योंकि सर ने ये स्टार्टअप ऑलरेडी चालू कर दिया और उनकी क्या प्लानिंग है वो सारी चीज़ें सर बताएंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सबसे पहले सर अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए और आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को उधर देख के। सभी बम्पर कमाई के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुपेंद्र परमार, हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग रखता हूँ। और अभी आप जो पीछे घास देख रहे हैं इसको बोल रहे हैं नेपियर घास। और पूरे पैन लेवल इंडिया पे प्रत्येक तहसील के अंदर एक फैक्ट्री लगनी है जो इस घास से CNG गैस और आपका बायोकोल का उत्पादन हमारी तहसील के अंदर होगा। आप अभी रिसेंटली जो देख रहे होंगे जो मुद्दे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन की बढ़ोतरी हुई है उसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम CNG गैस का और बायोकोल का उत्पादन करें। थैंक यू सो मच सर इंट्रोडक्शन देने के लिए। कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपके, आप जो स्टार्टअप आपने करा है उसके ऊपर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसे स्टार्ट करूँ मैं और किन किन बातों का ध्यान रखूँ। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और बाकी चीज़ें मैं आपसे अभी पूछूंगा बाद में। सबसे पहले हमें करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो हमें अगर एनवायरनमेंट को बचाना है, प्रकृति को, पर्यावरण को, इन सब जो आज विश्व के सो गंभीर जो मुद्दे हैं, आज सही मायने में अगर हम ये देखें, अगर हमें सृष्टि को बचाना है तो हमें बायो CNG, CNG, CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोकोल का उत्पादन करना होगा। ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से लगभग 20 से 22 साल पहले हमारे कंपनी के संस्थापक डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलप ने पूरे पैन लेवल इंडिया पे एक मॉडल बनाया, एक रिसर्च किया कि हम किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट से, किसी भी एनिमल हस्बेंड्री वेस्ट से हम CNG गैस बना सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं और उस CNG गैस से हम किसी भी व्हीकल को, किसी भी इंजन को हम चला सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके लिए हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा और हमारा जो उत्पाद तैयार होगा उसकी मार्केट में डिमांड कितना है। तो मैं आपको दोनों बातें बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो बायो CNG का उत्पादन होता है उसके लिए जो कच्चा माल लगता है वो हमारे तहसील के अंदर, हमारे गाँव के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कृषि अवशेष जो हमारे किसान के लिए फालतू है, हमारे पर्यावरण के लिए वो दिक्कतें पैदा करता है, वो सारा कृषि अवशेष हमारा रॉ मटेरियल रहेगा और हमें उसको प्रत्येक तहसील के प्रत्येक गांव में उसका 100 रुपये क्विंटल मिनिमम प्राइस से हम खरीद करेंगे किसान से। दूसरा हमारा एनिमल हस्बेंड्री वेस्ट काउडंग, हम गोबर, गांव में गोबर वगैरह डालने की भी समस्या रहती है, वो भी हम उनका खरीद करके और रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन हमारा जो उत्पादन होगा वो हमारा उत्पादन बहुत लार्ज स्केल में होगा, हमें जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वो सैकड़ों टन माल हमें पर डे चाहिएगा। तो सैकड़ों टन माल हमें पर डे चाहिएगा तो उसके लिए परमानेंट रॉ मटेरियल भी चाहिए। जैसे आपका शुगर इंडस्ट्री गन्ने से चलती है, इसी प्रकार जो हमारी इंडस्ट्री है वो नेपियर घास से चलेगी। जो आप पीछे दिखाई दे रहा है इसको नेपियर घास बोलते हैं, हाथी घास, राजा घास इसको बोला जाता है। ये आपका एक झुंडा प्रजाति का ही एक ज्वार और गन्ने के बीज की प्रजाति होती है। ये पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा है। हमारा ग्रामीण जो भारत है वो पशुओं पर निर्भर है, तो हमारे हरे चारे की जो कमी है वो इस घास से बशर्त पूरी होगी। ये इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होता है और पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा है जिसे दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। तो हमारा जो ये रॉ मटेरियल है नेपियर ग्रास, इसका अगर हम कल्टीवेशन कराएंगे 1 एकड़ में, ये 1 साल के अंदर हमारे किसान को 300 से 500 टन मिनिमम, हमारे जो किसान हैं वो 300 से 500 टन इसका उत्पादन ले सकते हैं। और 100 रुपये क्विंटल से जब हम उस किसान का ये नेपियर घास खरीदेंगे
तो 3 से 5 लाख रुपए वो हमारे इस घास से हमारा किसान कमा पाएगा। इस घास की दूसरी खासियत ये है कि इसमें कोई बीमारी वगैरह, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई इशू इसके अंदर नहीं रहता। इसको सिर्फ और सिर्फ बार बार हमें काटना पड़ता है और साल में हमें 5 से 4 कटाई ये दे देता है और किसान के लिए 3 से 5 लाख रुपए का ये हमें एक अच्छी खासी इनकम दे देगा। अब इस घास और एग्रीकल्चर वेस्टेज हमारे पास जो तैयार होगा वो तैयार होगा सीएनजी गैस, आपका कुकिंग गैस और जैविक खाद। तो आप देख रहे हैं कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अगर नज़र डालेंगे तो आपका सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बदल रहा है, वो या तो आपका डीजल को रिप्लेस करने के लिए सीएनजी और ईवी पे कन्वर्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम आप देखोगे तो सीएनजी का जो पार्ट है वो बढ़ता जा रहा है और सीएनजी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। हम किसी भी एरिया के अंदर मेट्रो सिटीज़ की भी यहाँ पे बात कर लें तो वहाँ पे भी सीएनजी हमें बिल्कुल फ्री और नहीं मिल रही, हाँ वहाँ पे भी हमें लाइन लगानी पड़ती है। तो हमारे ग्रामीण भारत में सीएनजी कैसे आएगी, तो आप दूसरा देख रहे हो, अगर हम सीएनजी की फैक्ट्री प्रत्येक ग्रामीण भारत में प्रत्येक तहसील के अंदर लगाएंगे तो सीएनजी का उत्पादन बढ़ेगा और हम उसकी मांग को पूरा करेंगे और हमारी तहसील के अंदर सीएनजी का उत्पादन होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो कच्चा माल है उसकी भी कमी नहीं है और जो तैयार माल हम करेंगे इससे सीएनजी गैस बनेगा, कुकिंग गैस बनेगा और जैविक खाद जो बनेगा उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है उसको हमारा कच्चा माल भी हमें आसानी से मिलेगा और तैयार माल की खपत की भी हमें कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मीनवाइल के आपके कहने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम इसी का आने वाला है एक्चुअली, जैसा कि आपने बिहाइंड द कैमरा मेरे को बताया एक्चुअली कि आने वाले टाइम पे है ना पेट्रोल बंद होने वाला है और आप भी देख रहे होंगे आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ चुकी है इंडिया के अंदर भी आप देख रहे होंगे एक्चुअली, तो आने वाला टाइम इन्हीं चीज़ों का आने वाला है। सो सर जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी फ्यूचर को देख के उन्होंने स्टार्टअप कर दिए हैं, इनसे जुड़ के आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, कौन कौन कर सकता है, किसान के लिए बोल दिया, युवाओं के लिए आपने एक्चुअली जिक्र नहीं करा, और कहाँ का कर सकता है, गांव के अंदर या सिटी के अंदर भी कर सकता है क्या, है ना, और इन्वेस्टमेंट कैसे वो बताएं, तीनों क्वेश्चन का जवाब दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने रखा कि कौन कर सकता है, इसको वो बंदा कर सकता है जिसको अपने एनवायरमेंट से प्यार हो, जिसको धरती माता से प्यार हो, जिसको अपनी तहसील से अपने गांव से प्यार हो, क्योंकि इस बिजनेस सेक्टर में ये हम सब का सॉल्यूशन है और सब के लिए हम काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी तहसील को बुक कराना होता है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात किया तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका एक हम प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर बोलेंगे, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके बदले हमें प्रमोटर कोटा का शेयर मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रत्येक तहसील के अंदर एक फैक्ट्री लगनी है, आपका पैन लेवल इंडिया का, आपका कोई भी स्टेट कहीं से भी आप संबंध रखते हो, बशर्त आपकी तहसील वो खाली हो। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी तहसील खाली हो, उस तहसील में खाली हो तो उस तहसील का कोई भी युवा जो कुछ करना चाहता है, चाहे किसान है, युवा है, उद्योग है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोई सेक्टर है इस देश के अंदर तो एनर्जी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा फास्टर और पैसे वाला कोई सेक्टर है तो नंबर वन सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर है। तो इसी में जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसमें जुड़ने के लिए हमें अपनी तहसील के लिए गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, उस गूगल फॉर्म को अप्रूवल आने के बाद आपको एक इंटरव्यू जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से फिर आपका देखा जाएगा कि आप अपनी तहसील का में कैपेबल है, वो अपनी तहसील में, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो किसानों को डेवलप करने का है, अपने ग्रामीण भारत को डेवलप करने का है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का है। तो हमें जो चैनल पार्टनर चाहिए प्रत्येक तहसील के अंदर वो ऐसा होना चाहिए जो इस विज़न को साथ लेके चले। तो उसके लिए आपका सिलेक्शन के बाद आपको 10,05,000 रुपये आपको ज्वाइंट वेंचर फी देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप सिक्योरिटी न रख के आपको ज्वाइंट वेंचर फी के बदले आपको प्रमोटर कोटा के शेयर्स आपको दे दिए जाएंगे, जिसका आज का भाव 50 रुपये हमारी कंपनी ने अपनी तरफ से रखा है। तो ये आपका ज्वाइंट वेंचर फी देने के बाद आप अपनी तहसील के अंदर इस प्रोजेक्ट से जुड़ के काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा, फैक्ट्री लगाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन की आपको व्यवस्था करनी होगी आपकी अपनी तहसील में। ये ज़मीन आप पंचायत से ले सकते हैं, किसी से लीज पे ले सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, और यहाँ पे आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी। दोस्तों यहाँ पे ज़मीन भी आपकी है, प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी है आपकी है, और हमारा ग्रुप आपको टेक्निकली इन्वेस्टमेंट और आपका रोड मैप सारा वो
प्रोवाइड करेंगे। आपकी तहसील के अंदर जो फैक्ट्री लगेगी स्टार्टिंग में वो 50 करोड़ रुपए से लेके 5000 करोड़ रुपए तक वो फैक्ट्री बनेगी। आपका 10 टन पर डे सीएनजी गैस से लेके 500 टन पर डे सीएनजी गैस का उत्पादन आपकी तहसील के अंदर हो, इस तरह का स्टार्टअप आपका अपना बनेगा। आपके इस स्टार्टअप से आपकी तहसील के अंदर 2-2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपके लगभग हजारों एकड़ के जो आपको नेपेर घास बोने को मिलेगा, जिससे आप अपनी तहसील के लगभग 15,000 लोगों को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा पाओगे। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रकृति पर्यावरण और अपनी धरती माता की सेवा के साथ साथ एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप से जुड़ने का आपका ये विजन इंतजार कर रहा है। अच्छा सर, आपने अमाउंट तो बता दिया, जैसे ये एक फ्रेंचाइजी लेवल पे ही हो गया ये सारी चीज़ें, है ना। अगर मैं अगर ज्वाइन करना चाहूँ तो आपने अमाउंट बता दिया, प्रॉफिट बताएं सर आप। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ये है कि जो आप जो लोकल चैनल पार्टनर इस कंपनी के साथ रहोगे तो यहाँ पे दो कंपनी बनेगी, आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगा और एक किसानों का एक संगठन बनेगा जिसको हम एफपी और एफपीसी बोलते हैं। तो अब होगा क्या, हमारा जो ग्रुप है एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, वो आपको टेक्निकली सपोर्ट करेगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और आपका और आपकी कंपनी का और एमसीएल का एमओयू होगा जिसमें आपको 10% का आपका स्टेक रहेगा। आप कंपनी आपको 50 करोड़ रुपये फैक्ट्री में लगा रही है और आपसे बदले में कुछ नहीं ले रही, और आपने जो चीज़ मैनेज किया है उसके बदले आपको 10% का हिस्सा रहेगा। 10% हिस्सा इतना रहेगा कि आप 1 करोड़ रुपए लगभग साल का उससे कमा पाओगे। दूसरा, आप अपनी तहसील के अंदर जो डेवलप कर रहे हैं, एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, आप सीएनजी गैस, कुकिंग गैस और जैविक खाद, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप रहेगा, वो भी आपके अपने पास रहेगा। तो इसमें जो पैसा है वो अनलिमिटेड है। सेकेंड, ये आपकी पूरी तहसील को सुजलाम सुफलाम, यानी कि आपकी तहसील को पूर्णतः समर्थ कर देगा। ये आपकी तहसील के अंदर जो भी विकास कार्य हैं उसके लिए इन्होंने 20% सीएसआर फंड रखा है, यानी कि 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए आपकी अपनी तहसील में, आपके अपने गांव के अंदर विकास कार्यों के अंदर, आपके कहीं पर स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, कहीं पर लाइब्रेरी की ज़रूरत है, कहीं पर आपका पानी का है, तो जो भी आप चाहोगे अपनी तहसील को समर्थ बना सकोगे। और आपके लिए तो ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आप सीधा सीधे अगर इसको पैसे में अगर तोलना चाहे तो ये आपको करोड़ों रुपए साल की इनकम के साथ साथ आपको करोड़ों दुआएं भी आपको देगा। ये ऐसा स्टार्टअप और ऐसा बिजनेस मॉडल है। अच्छा सर, ट्रेनिंग के लिए अगर जैसे मैं, मेरे को आपकी बात अच्छी लगी तो मैं ट्रेनिंग लेना चाहूँ तो वो आपसे ले सकता हूँ या फिर कहीं से, कहाँ से लेनी पड़ेगी एक्चुअली वो बताएं। और मैं आपके नंबर नीचे डाल सकता हूँ ना ट्रेनिंग के लिए, अगर कोई कांटेक्ट करे तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए जो भी जानकारी उपलब्ध होगी हम आपको बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन माध्यम से देंगे। हम सारा मॉडल इसका बेसिकली आपको समझाएंगे, डीपली समझाएंगे, और आपको जो भी सपोर्ट लगेगी जिस भी चीज़ के लिए, हम चाहे नेपियर घास को उगाना है, किसानों को हमारे साथ जोड़ना है, हमें रॉ मटेरियल को लेना है, इन सारी चीज़ का सपोर्ट सिस्टम हम आपको लिए अवेलेबल रहेंगे। बारीकी से बारीक जानकारी हम आपसे देंगे। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके दर्शकों को कि ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, आप इस चीज़ को समझिए कि सीएनजी का डिमांड कितना है और क्यों ज़रूरी है। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा, प्रकृति पर्यावरण हमारी धरती को बचाने के लिए हमें सीएनजी गैस को डेवलप करना होगा, हमें ईंधन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो हमें 8,000 करोड़ से लेके हमें लगभग 8,00,000 करोड़ रुपये हमें ईंधन के क्षेत्र में हमारा हर साल हमारा भार जाता है, हमें कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। ये चीज़ किसान हमारे खेत में पैदा कर सकता है। आप देख भी रहे हैं पीछे हमने ये लगा रखा है नेपियर घास, इस घास से ही हम सीएनजी गैस का उत्पादन करेंगे और सही मायने में हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनेगा और हम फिर से हमारे देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे, देश को हम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे और हमारे देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में हम कारगर सिद्ध होंगे इस एनर्जी सेक्टर के माध्यम से, हम बायो सीएनजी के माध्यम से, बायोकोल के माध्यम से। सर, वाइंड अप करना चाहेंगे अब क्योंकि लंबा पड़ जाता है वीडियो, है ना, तो लोग देखते नहीं है, एक्चुअली दर्शक देखते नहीं है। तो मैं आपके नंबर तो नीचे डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और इन्फॉर्मेशन पूरी मैं नीचे डाल दूंगा। डायरेक्टली सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आप सर से ले सकते हैं एक्चुअली, है ना। सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस या नौकरी क्या बेस्ट है आपकी नज़र में?
सर, हमारा देश हमेशा से आइडिया और इनोवेशंस का क्रिएटर रहा है। ये जो नौकरी शब्द आया है, ये हमारे बीच में हमारी पत्ति नहीं थी। हमारा देश जब गुलामी में था, अंग्रेजों ने हमें तब से एक नौकरी शब्द, एक नौकर यानी कि एक हम मीडिएटर के रूप में हम यूज़ किए गए। तो हमारा देश आज उस मानसिकता से आप देख रहे हैं, आज भी उस मानसिकता को लिए हुए हैं। चाहे हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। आज हमारा युवा सिर्फ और सिर्फ ये उसके लिए नौकरी के लिए भाग रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे नौकरी में समाधान नहीं है। समाधान हमारी प्रकृति के पास है, हमारी धरती के पास है, हमारे गाँव के पास है। हमारे गाँव के अंदर, हमारी खेती के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनको डेवलप कर लेंगे तो नौकरी से कहीं ज़्यादा होगा। नौकरी में आप देखोगे कि हमारे परिवार का विघटन हो रहा है। एक बंदा जब नौकरी में सेटल हो जाता है तो गांव में तो नौकरी मिल नहीं रही, वो मेट्रो सिटीज़ में जाता है। मेट्रो सिटी में जाता है तो हमारे उसके जो घर है, घर वाले हैं, उसके माता पिता हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनके रिसोर्सेज होते हैं, खेत खलियान हैं, वो बेकार रहते हैं। तो हम अपना छोड़ के, हम लाखों रुपये जो हमारे खेत से पैदा कर सकते हैं उसको छोड़ के और हम नौकरी के पीछे भागते हैं। आज काफ़ी ऐसी तकनीक्स हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे आप देखेंगे बैम्बो फार्मिंग का। बैम्बो फार्मिंग आप देखोगे तो आज आपका सिंगल प्लास्टिक जो यूज है वो बंद हो चुका है। उसका अल्टरनेट क्या है? तो उसका अल्टरनेट यही है कि हम बैम्बो को उगाएं, बैम्बो की फार्मिंग करें। सरकार उसमें सपोर्ट कर रही है और हमारे एरिया के अंदर बैम्बो हो सकता है, और उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको अल्टरनेट जो प्लास्टिक से जो भी चीज़ आप बनाना चाहोगे वो सारे प्रोजेक्ट आपके बन सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये सारा जो रोजगार है हमारे पास है, हमारा युवा इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। तो मैं आप पुनः आपके दर्शकों से अपील करूंगा, आप देखिए, सोचिए और अपने गांव के अंदर, अपने खेत के अंदर पोटेंशियल देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से कुछ ने कुछ स्टार्टअप किए। और अगर आप एनर्जी सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, वर्ल्ड का नंबर वन सेक्टर है, नंबर वन कंपनी है वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सीएनजी गैस बना रहा है, तो उसके साथ जुड़ने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं। किसी भी तरह की मदद होगी तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम मेरे साथ शेयर करा उसके लिए, और मेरे दर्शकों के साथ शेयर करा उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और गाइस, मैं आपको बोलना चाहूँगा, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, अगर आप जुड़ना चाहें तो मैं सर की कॉन्टेक्ट डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन सब सर की नीचे डाल रहा हूँ। जेन्युइन कॉल आने चाहिए, अगर आपको स्टार्टअप करना है ना, है ना, वही कॉल करें, फालतू कॉल नहीं आने चाहिए, है ना। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, दोबारा सर आपको बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला, और आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा आने वाले 6 महीने में, 1 साल के अंदर मैं वापस आपके पास आऊँगा, है ना। हमारे दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड, और वो वैसे तो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपको, है ना, लेकिन कोई क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आपसे वापस दोबारा रिकनेक्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का।